मैं सुजीत कुमार लखीसराय जिला से आज आप पहुंचा हूं कुंदर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में, जहां नल जल से जुड़ी समस्याएं लोगों को आज काफ़ी परेशान कर रही है। लोगों का कहना है जिन्होंने इनकी जिम्मेदारियां ली थी उन्होंने इस जिम्मेदारियों को परिपूर्ण तरीके से नहीं निभाया। आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारियां ली और लेकिन जिम्मेदारियां निभाने से पीछे भाग गए। इन लोगों का कहना है कि सड़कों पर गड्ढे तो बन गए लेकिन उस गड्ढों में पाइप नहीं दिखता है। लोगों के घरों तक में नल लगना था लेकिन नल तो जो छोड़ दीजिए उसका आस भी लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे पीछे ये टंकी जो बना हुआ है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के जरिए फॉल्ट बताया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि लोग नल जल को लेकर के क्या कहते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? ये जो नल जल से जुड़ी समस्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है पानी नहीं मिल रहा है, एक साल से परेशान है लोग। क्या बोरिंग कराए हुए हो तो एक साल के अभी तक तो नल घर तक पहुँचा है, जब गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है 6 महीना से खाली पड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो मुखिया का है। तो अगर मान करके चलिए वो जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं तो क्या होना चाहिए? पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? वीडियो में डीएम है। यानी आप मानते हैं कि जो काम परिपूर्ण नहीं हो पाया और उसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ खामियां दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वीडियो के माध्यम से हो या जिला जी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, ये बताइए नल जल से जुड़ी हुई क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी है टूट फट है वो लगा दिया है, इसलिए ठेकेदारी ऐसा होता है ना। अच्छा अच्छा वही जगह देखने का चीज़ है। अच्छा एक बात बताइए, जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी मुखिया का है। क्या इसको लेकर के कभी आप लोगों ने मुखिया अथवा किसी अधिकारी से बात विचार किया? नहीं किया। तो क्या मतलब कहना चाहते हैं? अगर मान के चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप इस बात को रखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आला अधिकारी और आप सरकार से? डीएम साहब से कहेंगे कानून कार्रवाई किया जाए, साल भर से जो है ऐसी है पड़ा हुआ। यानी कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे परिपूर्ण तरीके में लाना चाहिए, यानी आप लोगों के उपयोग के लिए परिपूर्ण हो सके, यही नहीं कहना आपका? जी। आप बताएंगे ये कितने दिनों पहले बना है? एक साल पहले। तो अब तक इसमें क्या दिक्कत है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक पानी तक नहीं पहुँचा, नहीं चालू हुआ है। तो मात्रम रात में बोरिंग हुआ, दिन में हुआ नहीं, रात में कोई नहीं था बोरिंग करने का। हम लोग यहाँ जब तक आए जब तक सारा काम खुल गया। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे में लोग चाहे आपके वार्ड के लोग हों या फिर जिन्हें इनकी योजना का लाभ। वीडियो को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से पंचायत की जनता ने मुखिया का विरोध कर जताया कि किस तरीके से नल जल योजना जो परिपूर्ण नहीं हो पाई है और इसको लेकर के मुखिया दोषी है। तो अगली खबर को देखने और जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुजीत कुमार लखीसराय जिला से।